अरविंद केजरीवाल को मिलेगी राहत, क्या उनकी मुश्किलें बढ़ते हुए नजर आएगी, क्या अरविंद केजरीवाल ने मनीष सिसोदिया का नाम लिया, शराब घोटाला किसने किया, ये तमाम सवाल खड़े होते हैं। हेलो हाय नमस्ते, आप देख रहे हैं रिपब्लिक भारत के डिजिटल प्लेटफॉर्म, मैं हूं आपके साथ महिमा कंवर और इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की, जिनकी मुश्किलें एक बार फिर से बढ़ते हुए नजर आ रही है। पहले सीबीआई, फिर ईडी और एक बार फिर से सीबीआई की गिरफ्त में आ चुके दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल। आप बखूबी जानते हैं कि राउल रेवेन्यू कोर्ट की तरफ से अरविंद केजरीवाल को सबसे पहले जमानत दी गई थी और इसी के खिलाफ ईडी पहुंच गई हाईकोर्ट और ये दलील देते हुए नजर आई थी कि हमें अपनी बात रखने का मौका नहीं दिया, जिसके बाद सुनवाई, हालांकि जो फैसला सुरक्षित रखा गया और फैसला सुरक्षित रखा गया तो उसके बाद दोबारा से सुनवाई इस पूरे मामले को लेकर हुई और हमने फिर देखा कि अरविंद केजरीवाल को राहत मिलते हुए नजर नहीं आई थी। लेकिन अब सीबीआई अरविंद केजरीवाल को हिरासत में ले चुकी है, 3 दिन की रिमांड मांगी गई अरविंद केजरीवाल की और इसी वजह से दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जो है अब सीबीआई की गिरफ्त में आ चुकी है। इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं कि आखिर अरविंद केजरीवाल अपने साथ जेल में कौन कौन सी चीजें रख सकते हैं। सबसे पहले आपको बताते हैं, उनको अनुमति मिली है कि आप अपने साथ अपना चश्मा रख सकते हैं, भगवद गीता की एक कॉपी वो अपने पास रख सकते हैं और अपनी दवाएं वो अपने साथ रख सकते हैं। इसके अलावा अपनी पत्नी और वकील से वो सिर्फ 30-30 मिनट तक ही मुलाकात कर सकते हैं। इसके अलावा उनकी तरफ से एक बेल्ट मांगी गई थी, उसकी भी अनुमति उनको मिल चुकी है। तो ये तो चीज़ें हो गई जो अरविंद केजरीवाल अपने साथ रख सकते हैं, लेकिन सीबीआई का दावा क्या है वो हमने आपको बता ही दिया है। अब सीबीआई कैसे इस पूरे मामले की जाँच करेगी वो अपडेट आपको दे देते हैं। कैसे, देखिए सीबीआई सबसे पहले मनीष सिसोदिया को आमने सामने बिठा सकते हैं अरविंद केजरीवाल के, ताकि दोनों को दोनों से सवाल पूछे जाए और उसके बाद ये देखा जाए क्या उनके जवाब मैच हो रहे। दूसरा, जो बाकी आरोपी है उनको सामने बिठाया जाएगा, अरविंद केजरीवाल को उनके सामने बिठाया जाएगा और फिर सवाल जवाब किए जाएंगे। इसके अलावा सबूत रखे जाएंगे। तीसरा पॉइंट ये है कि सबूत जब रखेंगे उनके सामने, फिर उनसे सवाल पूछेंगे क्या उनका जवाब मैच होता है। तो ये सब चीजें रिकॉर्ड करने वाली सीबीआई। अब सवाल ये है कि क्या निचली अदालत की तरफ से जो जमानत उनको मिली थी, अगर हाई कोर्ट में दोबारा इस मामले को जब भी सुनवाई होती है, क्या अरविंद केजरीवाल को जमानत मिल सकती है? तो देखिए, वकील ये कहते हैं कि अगर अरविंद केजरीवाल को जैसे निचली अदालत से जो है जमानत मिल गई है, अगर हाई कोर्ट की तरफ से भी उनको इसी फैसले को लेकर के जमानत मिलती है तो वो आसान नहीं होगी, क्योंकि ईडी की तरफ से जो उन पर मामला दर्ज किया गया था, जो पूछताछ की जा रही थी, वो ईडी के मसले पर निचली अदालत में अरविंद केजरीवाल को जमानत मिली थी। लेकिन अब सीबीआई की एंट्री हो चुकी, तो अगर उनको हाई कोर्ट की तरफ से जमानत मिल भी जाती ईडी वाली मसले पर, तो सीबीआई क्योंकि लगातार इस पूरे मामले को लेकर जांच पड़ताल कर रही है, तो ऐसा हो सकता है कि ज्यादा दिनों तक अरविंद केजरीवाल को जेल रहना पड़े। और सीबीआई लगातार इस पूरे मामले की जांच पड़ताल भी करी, तो ओवरऑल पॉइंट्स हमने आपको बताया कि आखिर कैसे इस पूरे मामले की जांच पड़ताल हो रही है, क्या क्या वो अपने साथ ले जा सकते हैं और क्या वो जेल में कितने समय तक और रह सकते हैं, क्या उनको बेल मिलते हुए नजर आएगी, ये भी इस वीडियो में हमने आपको बताया। इस तरह की वीडियोस के लिए आप देखते रहिए रिपब्लिक भारत का डिजिटल प्लेटफॉर्म।